नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर की है, जहां के गांव जेठूवाल में स्थित अमनदीप ग्रुप का कॉलेज, अमनदीप कॉलेज फॉर नर्सिंग में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सिमरजीत कौर, जो अपने परिवार के साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए 21 दिसंबर से कॉलेज के चक्कर लगा रही है, लेकिन कॉलेज वाले उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बल्कि कॉलेज वाले विद्यार्थी तथा उसके परिवार को सर्टिफिकेट देने के बजाय उसको कॉलेज के चक्कर कटवा रहे हैं। आज उसके परिजन लोक इंसाफ पार्टी के हल्का इंचार्ज के साथ लेकर गए थे। वहां उन्होंने अपनी समस्या कॉलेज कमेटी के सामने रखी, लेकिन कॉलेज वालों ने आज भी उन्हें आश्वासन ही दिया कि वे 28 जनवरी को बताएंगे कि सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। सिमरजीत की मां का कहना है कि हमारी बेटी को डिस्क की समस्या है, वो रोज रोज बस में सफर नहीं कर सकती है और हमने कॉलेज को पूरी साल की फीस जमा कराई हुई है। हम अपनी फीस रिफंड नहीं चाहते, लेकिन अपने बेटी की जिंदगी जरूर चाहते हैं, जो घर पर बीमारी से लड़ रही है। हल्का इंचार्ज लोक इंसाफ पार्टी का कहना है कि अगर लड़की को 28 जनवरी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो हम कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, और यदि लड़की को किसी भी तरह से जान माल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार कॉलेज कमेटी खुद होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। बेटी ने ना सिमरनजीत कौर, मेरी बेटी आ इतने नर्सिंग कर, बीएससी नर्सिंग कर रही है, उन्हें पहला साल कंप्लीट कर लिया वा तो मतलब पास हो गई है। उन्होंने डिस्क की प्रॉब्लम आई तो असं इन्हों कॉलेज वालों दूजे साल की यूनीवर्सिटी फीस पे भी करती है कि साड़ी बेटी को सफर नहीं हो रहा, डॉक्टर ने मना करता तो तुम सू मतलब माइग्रेशन लैटर दो, पर इन्हों ने सू 21 दिसंबर की इन्हों दी है लैटर, इन्होंने स्टैंप भी लाई, प्रिंसीपल सर के साइन भी होया। ये मैडम नवनीत न असी रिक्वेस्ट भी की है, बहुत भी ये अगे हाथ भी जोड़िया कि साढ़े बच्चे बहुत प्रॉब्लम आ, तुम सू माइग्रेशन लैटर दो। ये सू बार बार एक ही गल कहते कि तुम यूनीवर्सिटी तो लिखवा के लियाओ। असं यूनीवर्सिटी गए तो वह कहते एक कॉलेज ने एनओसी देनी होंगी है, यूनीवर्सिटी का इतने कोई नहीं है, तुम पहले कॉलेज को लिखवा के लियाओ। तो असं परेशान बहुत है, 21 दिसंबर तो असं परेशान हो, बेटी बैड पर आ, बेटी बहुत टेंशन आ कि मेरा इन्होंने खराब करा, सारा साल भी खराब करी जाते हैं, मैनू मेरे मदर पेरेंट्स टेंशन पाई हुई है। तो असं अज फिर इतने आए हैं, ये नवनीत मैडम साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिमरनजीत कौर बच्ची बीएससी के विच दाखिल कराई सी, उसकी डिस्क की प्रॉब्लम होने करके इन्हों को टीसी मंगी गई है नवनीत मैडम को, प्रिंसीपल ने गल की है, वह बस वह कहते जी मेरे को पावर ही नहीं, पावर उपर उपर है। नवनीत मैडम ने गल की वेट कर रहे हैं एक घंटे तो, वह इतने कॉलेज आके बड़ी नहीं है। ये बहुत माड़ी गल है कि जे सू टीसी लेनी है तो टीसी लैन की लड़ है तो असं टीसी भी नहीं लै सकते, दसो ये भी कोई गल है। बच्चे जिते जरूरत है बच्चा अपनी पढ़ाई करे जाके, मैं तो समझ नहीं आती रहा कॉलेज वाले की, इन्हें कॉलेज वाले की चाहिए। फीस एक साल की एडवांस जा चुकी है, असं वो नहीं मंग रहे, रख लैन, लेकिन बच्ची का टीसी दे देन, बच्चा कहाँ पढ़ाई करे, डेढ़ महीने तो बच्ची परेशान है, वो वैसे ही कौमा च जाने वाली गल हुई है, बच्ची इन्नी परेशान है कोई हिसाब नहीं, मैं खुद मिल के आया बच्ची। पहला बार प्रॉब्लम है, पहला बार है, इसके पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ था अभी भी, इसके बारे में उधर यूनिवर्सिटी में डिस्कशन होता रहते हैं, अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ, ऐसे एक ट्रांसफर को है ना तो क्या क्या करने है, कैसा आपका कीमत कैसे करने है, अभी तक डिसाइड नहीं है। अभी है ना इसके लिए मेरा ऊपर है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सेक्रेटरी वगैरह है, इसके लिए वो परमिशन दिया तो मेरे को दे सकता, नहीं तो मेरे को नहीं दे सकता। अभी है ना इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आ रहे हैं, उसको बात करवा।